हेलो वेलकम वंस अगेन दोस्तों, मैं रवि कुमार सर एक बार फिर से आपके साथ नए वीडियो में फिर से हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपने बायो लिया हुआ है और आप 12th के बाद करियर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने बायो से अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और बायो लेने के बाद 12th के बाद उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या करियर ऑप्शन है जिनको उनको फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, वन बाय वन हम सारे ऑप्शन आपके सामने लेके आएंगे और बताएंगे आपको क्या क्या ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने करियर को एक अच्छा वे दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम बात करें तो देखिए, जनरली जो स्टूडेंट्स बायो लेता है तो बायो लेने के बाद सबसे पहले उसकी प्रेफरेंस होती है कि डॉक्टर बनना। तो डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम होता है, तो नीट का एग्जाम स्टूडेंट्स मोस्टली देते हैं और कई जगह देखा गया है कि नीट का एग्जाम देने के बाद कई स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं या फिर नहीं कर पाते किसी भी रीजन की वजह से, तो वो सोचते हैं कि करियर ख़त्म हो गया। तो देखिए, कभी भी करियर आपका ख़त्म नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कई ऑप्शन ऐसे हैं, अगर आप एक एग्जाम में फेल हो जाते हो तो अगर आप ये सोचते हो कि करियर ख़त्म हो गया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने कई करियर ऑप्शन आएंगे जिनको आप कर सकते हैं। मैं आपको सारे ऑप्शन बताऊंगा अगर आप एक वायु स्टूडेंट हैं उसके बाद भी आप अपने करियर में बहुत ही अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन था आपका नीट, कि आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं प्लस एम्स का एग्जाम दे सकते हैं। तो इन एग्जाम को देने के बाद आप क्या है, एक डॉक्टर बन सकते हैं। उसके लिए आपको MBBS कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा। तो ये तो था आपका फर्स्ट ऑप्शन जो मोस्टली लोगों को पता होता है। अब हम कुछ ऑप्शन और भी बताएंगे जो मोस्टली लोगों को पता नहीं होते हैं। तो अगर हम सेकेंड ऑप्शन की आपसे बात करें तो वो है आपका BSc नर्सिंग। देखिए, जो BSc नर्सिंग का कोर्स होता है उसको भी आप कर सकते हैं और आप एक नर्स बन सकते हैं। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि BSc नर्सिंग भी होता है। तो अगर आपका नीट अगर नहीं निकल रहा है या एम्स आपका नहीं निकल रहा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप उस केस में एग्ज़ाम दे सकते हैं BSc नर्सिंग का। तो BSc नर्सिंग में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नर्सिंग का डिप्लोमा वगैरह ले सकते हैं और नर्सिंग करने के बाद आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। तो ये थी आपकी BSc नर्सिंग की बात। अगर आप सोचते हैं कि सर डॉक्टर नहीं बन पाए, नर्स नहीं बनना चाहते, तो आप क्या करें, तो और भी ऑप्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ। थर्ड ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, थर्ड ऑप्शन हमने नोट किया हुआ है बी फार्मा, कि आप क्या एक बी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। बी फार्मा कोर्स करने के बाद कई लोगों का करियर काफ़ी अच्छी जगह सेटल हो जाता है। तो बी फार्मा भी एक अपनी जगह आफ्टर बायो सेक्शन बहुत ही अच्छा रोल है। तो बी फार्मा को भी आप क्या कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे फोर्थ ऑप्शन, कि फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है। देखिए, फोर्थ ऑप्शन है आपका डेंटिस्ट कोर्स। आप देखिए डेंटिस्ट का भी कोर्स कर सकते हैं। अब देखिए, कई लोग कहते हैं कि सर डेंटिस्ट में पैसा कम है। तो देखिए, पैसा कम है ये तो एक अलग मैटर है। देखिए, ये कोई नहीं जानता है कि मतलब आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम आगे ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, अगर डेंटिस्ट की बात करें तो देखिए डेंटिस्ट भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। यहाँ पर कई लोगों के आपने देखा होगा कि दांत खराब हो जाते हैं तो वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। देखिए, अगर कंपैरिजन दो चीज़ों का करेंगे तो उस समय क्या है, कोर्स में डिफरेंस आ जाएगा। बट अगर हम बात करें आपसे डेंटिस्ट की, तो डेंटिस्ट में भी आप कोर्स कर सकते हैं और इसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, तो आप डेंटिस्ट का कर सकते हैं। ये था आपका फोर्थ। अब हम आपको बताते हैं फिफ्थ ऑप्शन। अगर मान लीजिए आपको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, आप सोच रहे हो कि एक हम नॉर्मल डिग्री ले लें, तो उस समय आपका फिफ्थ ऑप्शन आता है, वो आपका BSc। आप BSc कर सकते हैं। तो BSc करने के बाद आप कई सेक्टर में जा सकते हैं, कई ऑप्शन होते हैं BSc के बाद। तो BSc के बाद क्या क्या ऑप्शन है अगर वो आप जानना चाहते हैं, तो एक हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं आपके लिए, BSc के बाद क्या करें। तो इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि BSc के बाद बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी, किन किन रास्तों पर आप जा सकते हैं। तो वो वीडियो आप आने वाले समय में हमारे चैनल पर देख पाएंगे। तो देखने के लिए, ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिंपल स्टेप है, केवल आपके पास सब्सक्रिप्शन का बटन है, सब्सक्राइब करिए चैनल को। सब्सक्राइब करने का नोटिफिकेशन बेल आएगी, उसको क्लिक करिए। ऐसा कर लो तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका तरीका BSc का। अब हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट, जो है आपका सिक्स नंबर पॉइंट। सिक्स नंबर पॉइंट में अगर आपको इंटरेस्ट ये नहीं आ रहा है कि आप साइंस से बचना चाहते हो, आप सोच रहे हो चलो हम फेल अगर हो गए हैं नीट वगैरह एग्जाम में, तो उस जगह आप सोचते हो कि एक हमको तब भी एक अच्छी पोजीशन तक पहुंचना है, एक अच्छे मुकाम को हासिल करना है, और आप सोच रहे हो कि हम एक IAS PCS जैसा एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को देंगे, आप सोच रहे हो कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम देंगे,
तो उस समय आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका बीए, कि आप बीए कर लो। देखिए बीए में क्या है, आप जो सब्जेक्ट पढ़ोगे हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह, वही सब्जेक्ट आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे किसमें, आईएएस पीसीएस के सिलेबस में, क्योंकि काफ़ी सिलेबस सिमिलर होता है, तो सिमिलर सिलेबस को जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए क्या है वो बेनिफिशियल करेगा। तो ये था आपका बीए का रोल। तो बीए करने से पहले आप सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंस है उसको ज़रूर समझिए कि आपको जो बीए करना है वो किस सब्जेक्ट से करना है, प्लस उसका कहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट रोल होगा, और ये भी डिसाइड करके रखिए कि बीए के बाद आप क्या करेंगे। तो बीए के बाद क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शन हैं, उनका भी वीडियो हम क्या है आने वाले समय में लाने वाले हैं, तो वो भी आप क्या है देख सकते हैं। तो आप हमसे बने रहिए हमारे साथ, तो आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं आपसे बीबीए की। अब बात आती है नेक्स्ट ऑप्शन, वो है आपका 7 नंबर बीबीए। आप बीबीए कर सकते हैं। देखिए ये आपका एक बिजनेस कोर्स है, इसको आप मैनेजमेंट कोर्स कहते हैं। तो इस मैनेजमेंट कोर्स में आप क्या है एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपको एक आपका जो करियर है प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क क्या करेंगे और आपका एक जो स्टेबिलिटी होगी जॉब की वो बनी रहेगी। तो आप बीबीए भी कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम मैनेजमेंट कोर्स नहीं करना चाहते हैं, हमारा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, तो देखिए हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 8 की। तो देखिए अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, आप सोचते हो कि हम कंप्यूटर में बहुत अच्छा कर लेते हैं, कंप्यूटर में काफ़ी नॉलेज है, आपने 12th में भी कंप्यूटर लिया है और काफ़ी अच्छी नॉलेज आप रखते हैं, तो उस केस में आप कर सकते हैं बीसीए। आप बीसीए करने के बाद अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद आपको कैंपस प्लेसमेंट भी मिल जाता है, तो कैंपस प्लेसमेंट लेके आपका जो करियर है वो स्मूथ हो सकता है। तो कैरियर स्मूथ बनाने के लिए आपको जो मैं कोर्स बता रहा हूँ, इनको आप पहले एनालाइज करिए, समझिए सारे कोर्सेज को, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर हुआ। देखिए कई ऑप्शन हैं आपके पास। आप देखिए लाइफ में कभी अगर फेल भी हो जाए तो घबराना मत, क्यों, क्योंकि कई लोग मैंने देखे नीट करने का घबरा जाते हैं कि सर नीट में नहीं हुआ, बड़ा प्रॉब्लम आ गई है, घर वाले ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। तो उस समय देखिए आपको कहीं ना कहीं समझना होगा चीज़ों की, हम हमारे लिए और भी ऑप्शन है, तो हम उन ऑप्शन पे शिफ्ट हो जाएंगे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आपके ऑप्शन हो गए रिलेटेड टू बीसीए तक। तो अब हम बात करते हैं 9 नंबर ऑप्शन। अगर आप सोचते हो कि सर हम बीसीए वगैरह कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है हमारा, हमारा इंटरेस्ट है लॉ में, तो आप बीए एलएलबी 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो इस 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्स को कर सकते हो। इसके बाद आप क्या है एडवोकेट बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, और इसके बाद आप क्या फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं। कई कंपनीज ऐसी हैं जिनको हर साल फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत रहती है, तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के फॉर्म में वर्क कर सकते हैं और उसका आपको एक बेहतरीन सैलरी मिलता है। काफ़ी जगह आप अगर दिल्ली नोएडा की बात करें तो यहाँ पर कई लोगों को 40,000-50,000 तक सैलरी मिल जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, किस तरीके से आपने हैंडल किए हुए हैं सिचुएशंस को, तो इसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये थी आपकी बात बीए एलएलबी का। तो बीए एलएलबी भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट ऑप्शन 10th नंबर ऑप्शन। देखिए 10th नंबर ऑप्शन है आपके पास फैशन डिजाइनिंग। अगर देखिए अगर आप फैशन डिजाइनिंग में जाते हो तो यहाँ पर भी आपके पास जो करियर है वो काफ़ी अच्छा रहता है। देखिए इसमें जो फैशन डिजाइनिंग का सिलेबस है इसमें क्या है कि प्रैक्टिकल वगैरह ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर क्या है रिटन वगैरह का जो एग्ज़ाम है वो कम होता है। तो फैशन डिजाइनिंग आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप फैशन डिजाइनिंग आपके लिए सुटेबल होगा तो आप फैशन डिजाइनिंग की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए फैशन डिजाइनिंग के लिए आपका जो एग्ज़ाम होता है वो होता है निफ्ट का एग्ज़ाम। तो निफ्ट का एग्ज़ाम देने के बाद आप फैशन डिजाइनिंग के कोर्स को कर सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद आपको क्या है कैंपस से भी प्लेसमेंट हो जाता है और एक आपको बेहतरीन जॉब मिल जाती है। और आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको लगता है कि 12th के बाद बायो स्टूडेंट्स और भी ऑप्शन है उनको कर सकता है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं, जिससे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं हमारे छात्र वो ये समझ पाएँ कि बायो लेने के बाद और भी कितने सारे ऑप्शन हैं। अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि जो हमारे और व्यूअर हैं उनको काफ़ी हेल्प करे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों तक शेयर करिए जिनको ऐसे ऑप्शन नहीं पता है, जो लाइफ में काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं जब वो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं।
तो आपको उनको मोटिवेट करना है। मोटिवेट करने के लिए आपको सिर्फ ये वीडियो पहुंचाना उन लोगों तक और उनको बताना है कि केवल अगर आपका नीट के एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका करियर स्टॉप हो गया। आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं जो मैंने आपको बताए, ये उन लोगों को बताइए। बताने का तरीका क्या है, आप उनको वीडियो फॉरवर्ड करिए। वीडियो फॉरवर्ड करने के सिंपल सा आपको शेयर करना है, आप फेसबुक में शेयर करिए, आप फेसबुक ग्रुप में शेयर करिए, आपके पास व्हाट्सएप है व्हाट्सएप में शेयर करिए, सब जगह आप इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि जो आपके दोस्त हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाया है उनकी हेल्प हो सके। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए आज की वीडियो के हम इंसाफ्ती करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के शुक्रिया।